प्रॉपर्टी का डांडा डीकेडी में एवलांच की चपेट में आकर लापता हुए दो प्रशिक्षुओं की तलाश में सोमवार को अभियान शुरू कर दिया गया है। सोमवार की सुबह वायुसेना की दो चीता हेलीकॉप्टरों ने हर्षिल हेलीपैड के डॉकरानी वमाक बेस कैंप के लिए उड़ान भरी। वहीं कैंप वन और एडवांस बेस कैंप से 6 में से 5 शवों को मातली हेलीपैड लाया गया। आपको बता दें हर्षिल क्षेत्र में बादल छाए हुए हैं और लापता प्रशिक्षुओं की तलाश में मैनुअली खुद बचाव टीम ने अभियान शुरू कर दिया है। अब तक 27 शव बरामद किए जा चुके हैं। हिमस्खलन हादसे में जान गंवाने वाले 10 और प्रशिक्षु पर्वतारोहियों के शव रविवार को मातली हेलीपैड पर लाए गए। सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए परिजनों को सौंपा गया। अब तक कुल 21 शव परिजनों को सौंपे जा चुके हैं। 6 में से आज सोमवार को 5 शव और मातली हेलीपैड लाए गए हैं। इसके साथ ही दो प्रशिक्षुओं की तलाश जारी है। एनकेएन न्यूज की डेस्क रिपोर्ट।